नवी मुंबई के कामोठे में किसानों के समर्थन में फ्लैग मार्च, मोदी सरकार से किसानों की मांग पूरी करने का आह्वान। अन्नदाता को सम्मान, किसान हमारा अभिमान। जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आम लोग भी आगे आ रहे हैं। आज नवीमुंबई के कामोठे से लेकर कलम्बोली तक फ्लैग मार्च निकाला गया। समाज सेविका डॉक्टर वर्षा चौरे और समाज सेवक शाहनवाज खान के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और मोदी सरकार का ध्यान खींचते हुए किसान कानूनों को वापस लेने और किसानों की मांग के अनुसार कानून बनाने की अपील की। उनका कहना था कि यदि किसान नहीं रहे तो देश को अनाज और भोजन कैसे मिलेगा, इसलिए किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है, पिछले 40 दिनों से ज़्यादा दिन हो गए हमारे देश के किसान भारत की राजधानी में धरने आंदोलन पर बैठे हैं। उनको आंदोलन पे क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे कानून लाए हैं जो कानून किसानों के हित के खिलाफ है, किसानों की उन्नति के खिलाफ है और किसान को बर्बाद करने वाले हैं। कि जो हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि किसान हमारे देश की धुरी है और अगर किसान बचेगा तो ही देश बचेगा। किसान की उन्नति होगी तो ही हमारी उन्नति होगी, किसान जिएगा तो ही देश की आबादी जिएगी। किसानों के सम्मान में आज नवी मुंबई कामोठे के अंदर जो किसानों के सम्मान में हमने फ्लैग मार्च किया है, तो इसका मकसद ये था कि आज हमारा किसान को अपनी बात मनवाने के लिए इतने टाइम तक का दिल्ली पे बैठना पड़ता है, तो मेरी इस सरकार से, अंधी भैरी और गूंगी सरकार से गुजारिश है कि किसानों की बात माने। तो वही कई ये किसान जिन्होंने आपको इस दिल्ली की गद्दी पे बिठाया था, तो अगर ये पब्लिक और सब सिटीजन अगर जाग जाए तो ये आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो गद्दी पर से उतारना भी जानते हैं। तो ये किसानों की जो जायज़ मांगे वो पूरी करे, नहीं तो आने वाला कल इस सरकार को बहुत भारी पड़ सकता है। बता दें कि दिल्ली में किसान 42 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ उनकी 9वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। किसान कानून बदलने तक आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल उनके समर्थन में ऐसे फ्लैग मार्च निकालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।